हे गाइस, दिस इज शायन एंड यू वाचिंग शायन व्लॉग्स। अभी मैं फात के घर पे आके इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और लोगों के सामने ब्लॉगिंग करने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो अभी मैं अपना हेयर कट कराने वाला हूँ क्योंकि बहुत दिनों से हेयर कट नहीं कराया। कुछ दिन पहले ट्रिम करा दिया था पूरा, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ का बाल और यहाँ का बाल सेम है। तो अभी साइड का बाल ट्रिम कराते हैं और शाम को निकलेंगे शॉपिंग पे। तो ब्लॉग पे बने रहिए और साथ में जाएगा ये, देख सकते आप लोग कौन है ये। और इसका भी बाल कटवाना है और इसने तो काट लिया। अरे बाबा, इसने तो काट लिया। तो चलते हैं हेयर कट कराने। हेयर कट हो चुका है मेरा, थैंक्स टू अभिदा, बहुत अच्छा हेयर कट किया है उन्होंने। कमेंट पे बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है। और अभी घर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद शॉपिंग पे निकलते हैं। गाइस, मेरे साथ आए थे फरहाद, राहुल और रहान। शाहान का ऑलरेडी हेयर कट हो चुका था, राहुल और फरहाद ने अभी किया है मेरे साथ। तो फरहाद का किया है प्रीतम भैया ने, राहुल और मेरा किया है अभी भैया ने। तो थैंक्स टू देम इतना अच्छा हेयर कट देने के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, जब मुझे देखना है जींस तो सबसे पहले फ्लाइंग मशीन पे चलते हैं, वहां वहां पे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और पे जाके देखते हैं। तो अभी 45 पे आया हूं, ये टी-शर्ट सही लग रहा है, मैं खुद ले लेता हूं ये वाला। फ्लाइंग मशीन पे गया था, उन लोगों ने वीडियो नहीं करने दिया और वैसे भी कोई जींस मुझे पसंद नहीं आया। जो पसंद आया वो 3000 के ऊपर था, तो मेरे बजट के बाहर था, तो इसलिए मैंने नहीं लिया मैंने। तो अभी कहीं और पे देखते हैं। और अभी ये टी-शर्ट सही लग रहा है, ले लेता हूं ये वाला। सो गाइस, कल मैं गया था शॉपिंग पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि पता नहीं कल मेरे को क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार ब्लॉग कर रहा हूँ, ये एक शॉट से कुछ हो ही नहीं रहा था, बार बार टेक लेना पड़ रहा था एक शॉट के लिए। तो इसी वजह से शायद मैं वीडियो नहीं बना पाया ज्यादा। ऊपर से जहाँ पे भी जाता हूँ बोलते सर वीडियो अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है। फ्लाइंग मशीन पे गया बोल रहे थे सर वीडियो अलाउड नहीं, पूमा पे गया था वीडियो अलाउड नहीं है, पैंतालीस पे गया था लोग मेरे मुंह पे देख रहे थे, ऐसा ही। उसके बाद ज्यादा वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा बहुत शॉपिंग की और उसके बाद घर आ गया। तो क्या क्या शॉप किया वो भी नहीं दिखाया आप लोगों को। तो मैंने सिर्फ एक पैंट एक जीन्स खरीदा है और जो कि मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा, और एक टी शर्ट लिया मैंने और एक स्लीपर लिया है पूमा से। तो बात यह है कि ऑफलाइन मेरे को लगता है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन ज्यादा अच्छा मिलता है मेरे को। कि फ्लाइंग मशीन पे गया था, एक जींस देखा मैंने, तो वो लोग बोल रहे उसका प्राइस था 2400, मतलब 2400। वो सेम जींस मेरे को दिख रहा था मिंत्रा पे 1600 में, तो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर कर दिया। तो उसके बाद वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाके भी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहां पे भी वीडियो अलाउड नहीं था। तो मैंने वहां से एक जींस ली एंड मैंने क्या क्या लिया, जींस टी शर्ट और एक स्लीपर बस। और शर्ट लेने वाला था लेकिन शर्ट नहीं हो पाया क्योंकि पसंद नहीं आया मेरे को। तो शर्ट में मिंत्रा से ऑर्डर कर दूंगा और बाकी मैं घर के लिए निकल गया। उसके बाद जाने से पहले पापा के लिए कुर्ता लिया, तो फिर घर चला आया। सोचा कि इस वीडियो को डिस्कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वीडियो तो आना चाहिए क्योंकि एक महीने से वीडियो नहीं आ रहा था पूरा, मतलब सब भी बोल रहे वीडियो नहीं आएगा कि आपसे, तो वीडियो आएगा, इससे पहले ही वीडियो आएगा, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सोचा कि आज शाम को फिर से शॉपिंग पे निकलते हैं, शॉपिंग पे नहीं ऐसे ही निकल जाएंगे क्योंकि आज है ईद का पहला दिन है, मतलब कल ईद है तो आज प्रीवियस डे है ईद का, तो आज हंगामा होने वाला है। तो आज निकलेंगे और देखेंगे ईद का बाजार, देखेंगे ईद का, ठीक है। तो निकलते हैं शाम को, अभी मैं ऑफिस पे हूँ, ऑफिस का काम खत्म करता हूँ, घर जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और शाम को निकलते हैं। कौन है तू? अबे तू कौन है? या तो ले हिंदी में, तो ना हिंदी हिंदी फ्यूचर में आने से मेरे साथ पकाओगे? अब पुराना हो गया।
अच्छा लग रहा है। सुबह जगह आप लोगों ने कितना ज्यादा भीड़ था, तो मैं दिन से बात भी नहीं कर पाया। अभी हम लोग मोहन आए, मैं फरहाद और जहान, तो राहुल नहीं आया क्योंकि वो बीमार ही बोल रहे हैं ऐसा। तो मोमो खाते हैं उसके बाद निकलते हैं, देखते हैं बात हो सकता है, अगर बात करके ब्लॉग कर सकते हैं करेंगे, नहीं तो ऐसे ही वीडियो शूट कर देंगे। वैसे आज का ये ब्लॉग इतना खास नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले शॉपिंग का ब्लॉग बनाने वाला था, लेकिन शॉपिंग भी नहीं हुआ ढंग से अभी। उसके बाद मैंने बोला आज निकलूँगा, निकलने के बाद भी ढंग से ब्लॉग नहीं हो रहा, तो एडजस्ट कर लेना ये वाला ब्लॉग, बाद में बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है। तो अभी मोमो खाते हैं। ये क्या है? नमक। नमक। अब मैं हूँ मैन। नमक बंगाली में बोलने। ये क्या है? लवण। मनुष्य। लवण मनुष्य। सही बोला तुमने। सो हमने मोमो खाया था बावल के ऑपोजिट पे, एक मोमो का शॉप है वहाँ से खाया था। इतना घटिया मोमो था, पेट दुख रहा है अभी। तो यहाँ पे कभी मत आना मोमो खाने के लिए, नॉट रिकमेंडेड। इससे अच्छा कोई सस्ता वाला मोमो खा लो आप लोग। तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। So guys, इसका नमाज अदा कर लिया, और आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे सबको दिल से ईद मुबारक। चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, ईद हो, पूजा हो या क्रिसमस हो, हम सबको मिलके एक साथ मनाना चाहिए, तभी जाके एक फेस्टिवल में मजा आता है। एनीवेज, होप करता हूँ ये वीडियो आपको इतना खास नहीं लगा होगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ खास दिखाने के लिए था नहीं। फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो टॉक देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय गाइस।